अरे वो देखो उस पपी को, कितने जोर जोर से रो रहा है। वो बीमार भी लग रहा है, बेचारा लावारिस होगा, उसका कोई नहीं है। चलो इसे डॉक्टर झटका के पास ले चलते हैं, इसका इलाज करवाते हैं। हेलो पपी, आओ आओ, तुम्हें डॉक्टर झटका के पास ले चलते हैं। अरे डरो मत बेटा, हम तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाएंगे। से बचना ये इम्पॉसिबल, ये इम्पॉसिबल। अरे रुक जा पपी, रुक जा पपी। वो देखो दो आदमी उस छोटे से पपी को कैसे तंग कर रहे हैं। चलो उन्हें सबक सिखाते हैं। ये तो पपी के पापा है। अब क्या चाहिए तुम्हें? हम तो तुम्हारा भला कर रहे थे, तुम्हारी बीमारी का इलाज कराना चाहते थे, और तुमने हमें ही कटवा दिया। सॉरी अंकल। लो अब सॉरी बोल रहा है। मैंने इसकी भाषा कैसे समझ ली? अरे हाँ, मुझे भी ऐसा लगा कि ये हमें सॉरी बोल रहा है। आप मेरी भाषा समझ सकते हैं और बात भी कर सकते हैं। सॉरी, मैं घबरा के भाग गया था। अच्छू। 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 अरे पहले रो लो या छींक लो, दोनों काम एक साथ मत करो। लेकिन तुम रो क्यों रहे हो? मेरा नाम रॉकी है। मेरे मालिक दुबले पहलवान ने मुझे घर से निकाल दिया है, क्योंकि मैं हमेशा बीमार रहता हूँ। और वो कहते हैं कि मेरी बीमारी मेरे दो भाइयों को भी लग सकती है। टॉमी और मोती मेरे भाई हैं। ओह, ये तो बहुत ही गलत बात है। देखो मेरा नाम है मोटू और ये है मेरा दोस्त पतलू। चलो पहले तुम्हारी बीमारी का इलाज डॉक्टर झटका से करवाते हैं, फिर तुम्हारे मालिक के पास चलेंगे। ओके। वो देखो उन्होंने उस बच्चे को पकड़ ही लिया, अब नहीं छोड़ूंगा उन्हें। भागो! अरे तुम लोग क्यों हमारे पीछे पड़े हुए हो? अंदर कुछ केमिकल्स के जार गिर गए हैं और कभी भी ब्लास्ट हो सकता है यार। दूर भागो, दूर। मोटू पतलू, आप दोनों अंदर जाओ, मैं इन्हें रोकता हूँ। ओह थैंक यू थैंक यू। अरे उन्हें कैसे भी रोक दो, जब वो चले जाए तो हमें बताना, हम बाहर आ जाएंगे। ओ त्रिकी, मोटू पतलू तो अंदर चले गए, मोटू बाहर आओ, पतलू बाहर आओ। रुक जाओ, मोटू पतलू मेरे दोस्त है, उन्हें काटा तो देख लेना। सॉरी सॉरी कुंफू मास्टर, गलती हो गई। वी आर प्राउड ऑफ यू। एक डॉगी को तुम्हारे जैसा ही होना चाहिए, वो अपने मालिक और दोस्तों की रक्षा करता है। अब हमें छोड़ दो प्लीज। ठीक है, ओके ओके, अब आप दोनों जा सकते हो। मोटू पतलू तुम ठीक तो हो ना? कौन है जिसने मोटू पतलू का ये हाल किया है? ओए मोटू पतलू मेरे यार, मेरे भाई, तुम लोग ठीक तो हो ना? हैं? उड़ी पापा, दोनों का बहुत बुरा हाल है। इन दोनों ने मेरे मोटू पतलू का ये हाल किया है, मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगा। रॉकी उसको छोड़ दो, वो हमारे दोस्त हैं। सॉरी सॉरी, मुझे लगा ये हमारे दुश्मन हैं।
है भैया, ये पप्पी रॉकी बहुत ही बीमार है। हम इसका इलाज कराने आए थे और खुद ही जख्मी हो गए। कितना प्यारा डॉगी है यार। चलो मैं तुम सबका इलाज करता हूँ, तुम सब जल्दी ही ठीक हो जाओगे यार। है वो देखो, वो रहा मेरा घर। पप्पी ओ रॉकी, तुम कहाँ चले गए थे? हमने तुमको बहुत मिस किया। तुम्हारे बिना एक पल भी अच्छा नहीं लगा। मैं इन दोनों की वजह से वापस आ पाया हूँ। ये है मोटू पतलू मेरे दोस्त, और मोटू पतलू ये है मेरे भाई टॉमी और मोती। हाय दोस्तों। तुम्हारा मालिक कहाँ है? दुबले पहलवान, मैं अभी उसे ठीक करता हूँ। वो देखो, वो रहे दुबले पहलवान। मैं अभी उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो जिंदगी भर याद रखेगा। अरे भैया तुम फिर आ गए, चलो भागो वरना दुबले पहलवान तुमको ऊपर वाले के पास भेज देंगे। हाँ। अरे ऐसे कैसे भेज देगा, अब ये अकेला नहीं है, इसके साथ हम हैं। बच्चे में अपनी ताकत का जोर ना दिखाए। अरे पहलवानी करनी है तो मेरे साथ कुश्ती लड़े। अगर मैं जीता तो उसे रॉकी को अपने पास रखना होगा, और अगर मैं हारा तो रॉकी उसके साथ नहीं बल्कि मेरे साथ होगा। मंजूर है? दुबले पहलवान ने हमेशा हर चैलेंज को स्वीकार किया है। कल सुबह 9 बजे। मेरे ख्याल से कुश्ती का ख्याल छोड़ दो, मेरे मालिक बहुत खतरनाक है। अरे मैं और भी खतरनाक हूँ, तुम मेरी चिंता मत करो। ओके, दोनों पहलवान ध्यान से सुनो, कोई भी चीटिंग नहीं करेगा। अरे रुक जाओ सर जी, पहले दुबले पहलवान को तो आ जाने दो। क्या क्या तुम दुबले पहलवान नहीं हो? तो फिर दुबले पहलवान है कौन? मैं हूँ दुबले पहलवान। मोटू चलो घर भाग चलते हैं, रॉकी को हम अपने साथ रखेंगे। नहीं पकड़ो, आज सही और गलत की लड़ाई है, मैं भागूंगा नहीं, रॉकी को उसका हक दिला के रहूंगा। हाँ तो तुमने मुझे चैलेंज किया है, लेट्स फाइट। देखो दुबले भैया, एक तो दुबले नाम रख के तुम लोगों को बुद्धू बनाते हो, और लोग सोचते हैं कि तुम दुबले होगे और तुम्हें फाइट के लिए चैलेंज कर देते हैं। दूसरा, रॉकी को उसके भाइयों से अलग कर देते हो सिर्फ इसलिए कि वो बीमार रहता है। बातें बंद करो और फाइट शुरू करो। ओके, फाइट। आज मेरे और मोटू के बीच कोई नहीं आएगा। मैं नहीं, मोटू कर रहा है। लड़ाई है और मैं सही तरीके से ही लड़ूंगा। और तेज घुमाओ, और तेज घुमाओ, तेज। अरे बस इतना ही दम है क्या? और घुमाओ। जीत गया।
तू जीत गया। मोटू तुम बहुत बहादुर हो, तुमने ठीक कहा था, ये सही और गलत की लड़ाई है और जीत हमेशा सही की होती है। मैं रॉकी को उसके भाइयों से कभी अलग नहीं करूंगा। थैंक यू दुबले पहलवान, थैंक यू। थैंक यू मोटू पतलू, तुम जैसे दोस्त सबको मिलना चाहिए। डॉक्टर झटका इधर भी ध्यान दो, आपने एक्सपेरिमेंट में ऐसा खो जाता है कि कुछ दिखता ही नहीं। ओए सॉरी यार घसीटे, वेरी सॉरी डॉक्टर झटका। लगता है बड़े भैया अंदर हैं। चलो उनका इंतजार करते हैं। लेकिन ये बोरे चेयर्स पे क्यों रखे हैं? यार मेरी कमर तोड़ दी। मोटू पतलू क्या कर रहे हो तुम दोनों यार? पुड़ी बाबा मेरा पैर। ओ बोलो मोटू मेरे भाई, मेरे यार, मेरे से क्या काम है? बड़े भैया क्रिकेट मैच आ रहा है और हमें देखना है, हमें कोई ऐसा टीवी दो जो बिजली चली जाए तो बैटरी से भी चले और जिसमें तस्वीरें बहुत साफ साफ हो। ओ मेरे यार ये लो, मेरे पास एक बैटरी ऑपरेटेड टीवी है जिसके एंटीना में इतना लंबा वायर है कि जब तक रिसेप्शन क्लियर ना हो एंटीना को ऊपर लेते जाओ और वायर खुलता जाएगा। है? पुड़ी बाबा कहीं तो कुछ जल रहा है। वाह डॉक्टर झटका कितना अच्छा रिसेप्शन है। वाह वाह बड़े भैया मजा आ गया। जाओ जाओ नीचे जाकर मैच देखो, कहीं हमारे बच्चों को भी ये आदत लग गई तो हम टीवी कहाँ से ला कर देंगे। टीवी बचाना, वो टूटना नहीं चाहिए। क्या है भाया, कौन सी सवारी से आ रहे हो? अरे न मोटर न कार, सिर्फ धरती पे सवार। हाँ चाय वाले भैया जल्दी से गर्मा गर्म समोसे खिला दो, आज हमें पूरा मैच देखना है। जल्दी एंटीना उतारो यार, ट्रक से वायर टूट गया तो मैच नहीं देख पाएंगे। हाँ ये लोग मेरे ट्रक पे चढ़कर मस्ती कर रहे हैं, अभी इन्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा कि जिंदगी भर कभी मेरे ट्रक पे नहीं चढ़ेंगे। अब आया ना मजा। वाह कितना अच्छा रिसेप्शन है, चलो यही मैच देखते हैं। ये लोग चिल्ला क्यों नहीं रहे? अभी इन्हें मजा चखाता हूँ। ऊपर वाला इतना क्यों मेहरबान है? मोटू पतलू झटका घसीटा सब मेरे मेहमान है। वाह बॉस वाह, क्या कविता कही है, है ना नंबर दो।
कविता के बच्चे मेहमानों की खातिरदारी करो। सर सर आप लोग क्या लेंगे, ठंडा या गरम, मेरा मतलब चाय या कोल्ड ड्रिंक? खातिरदारी से मेरा मतलब है इनको पीट पीट के यहाँ से भगा दो। हम कहीं भी क्रिकेट मैच नहीं देख पा रहे हैं। सॉरी सॉरी, तुम लोग क्रिकेट मैच देखना चाहते हो तो देखो, लेकिन मेरे पास ना तो टीवी है और ना ही इलेक्ट्रिसिटी। ओ यार, हमें सिर्फ बैठने की जगह चाहिए और कुछ नहीं, सब कुछ है हमारे पास। हाँ तो फिर बैठ जाओ और मैच देखो। क्रिकेट मैच देखना मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, नंबर वन। और टू, मेहमानों की खातिरदारी करो। बिना मुर्गी के अंडे, दिमाग के बिल्कुल ठंडे। जब पीटना होता है तो पीटते रहे, जब नहीं पीटना होता है तो मार पीट करते हो। अरे आज से ये सचमुच हमारे मेहमान है, जाओ जल्दी से चाय नाश्ता ले आओ। ओ जॉन, क्या तुम इस एंटीना को कहीं ऊपर ले जाकर सेट कर सकते हो? ये एंटीना जितना ऊपर जाएगा उतना अच्छा मैच दिखेगा मेरे भाई। तुमने मुझे भाई कहा, तुमने मुझे भाई कहा। अब देखना मैं इस एंटीना को अपनी स्पेशल सीढ़ी से कितना ऊपर ले जाता हूँ। अरे बस बस जॉन भैया, एंटीना को वहीं सेट कर दो, मैच ठीक आ रहा है। तुमने भी मुझे भाई कहा। अरे जॉन भाई, तुम चोरी चकारी छोड़ दो, हम तुम्हें रोज अपना भाई कहेंगे। क्या कहा, चोरी छोड़ दो, अपना कलम छोड़ दो? चोरी मेरा काम यारो, चोरी मेरा काम। जैसे तो हम लटके हैं। वो हिलो मत, वो देखो सिक्स मारा। अरे हिलो मत, रिप्ले आएगा, रिप्ले आएगा। अरे जब तक ये एड आ रहा है क्यों ना तब तक कुछ खा पी लिया जाए। खाने पीने को कुछ नहीं मिलेगा। अरे हम जमीन से 35,000 फीट ऊपर हैं, यहाँ चाय वाला नहीं है। अरे चाय वाला नहीं है तो क्या हुआ, हम एयर होस्टेस से चाय नाश्ता मांगते हैं। ओपन द डोर। एक्सक्यूज मी, 7 लोगों के लिए चाय नाश्ता और हो सके तो गर्मा गर्म समोसे ऊपर रूफटॉप पे भेज दीजिए। ओके ओके सर। Thank you. Rooftop! Captain! 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 क्या हुआ, इतनी परेशान क्यों हो? Rooftop से 7 लोगों ने चाय नाश्ते का ऑर्डर दिया है। तो दे दो ना, मुझसे क्यों पूछ रही हो? Rooftop सर, Rooftop! वो प्लेन के ऊपर है छत पे। क्यों मजाक कर रही हो, जाओ अपना काम करो, गो, हमें डिस्टर्ब मत करो, ओके? गाइस, ऊपर क्रिकेट मैच चल रहा है, कम ऑन, लाइव टेलीकास्ट है। सर सर, ऑलमोस्ट ऑल पैसेंजर्स आर ऑन रूफटॉप,
सबको चाय नाश्ता चाहिए। जाओ दे दो, मैंने कब मना किया है। तुम आज मजाक के मूड में लग रही हो, लेकिन मैं नहीं हूँ। डोंट डिस्टर्ब मी नाउ, जिसको जो चाहिए वो दे दो। नाउ गो। हाँ? सब लोग कहाँ गए? फ्लाइट तो फुल थी। वो सब रूफ टॉप पे मैच देख रहे हैं। नहीं, ये कैसे हो सकता है? एक मिनट में समंदर आ जाओ, वरना प्लेन उल्टा कर दूंगा और सब गिर जाओगे। अरे ये क्या मैच रुका हुआ है, वो देखो। ये कौन बदतमीज है जो टीवी लेकर पिच पे बैठा है? अरे अब मैच कैसे होगा? ये तो हम ही हैं। ये तुम लोग हो, हमारा पूरा मैच खराब कर दिया। मार सुटिया, हम जो मैच देख रहे थे उसी की पिच पे आ गिरे हैं। अब क्या कहे यार।